दोस्तों, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में कामयाब होना इतना आसान बात नहीं है, लेकिन इस बात से तो आप सभी वाकिफ होंगे। लेकिन इस बात को भी नामुमकिन से मुमकिन कर दिखाया है बॉलीवुड के उभरते हुए सितारे और अभिनेता कार्तिक आर्यन ने, जिन्होंने अपने छोटे से अभिनय करियर में बॉलीवुड के उन ऊंचाइयों को छू लिया है जिसे बॉलीवुड के मेगा स्टार्स भी सलाम करते हैं। इसीलिए तो इनकी हर एक खासियत इनके अंदाज से झलकती है, जिनकी चर्चाएं आज देश भर में किसी खुशबू की महक से कम नहीं फैली हैं। लेकिन दोस्तों, यूं तो आप अभिनेता कार्तिक आर्यन के बारे में बहुत सारी बातें जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप इनकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि ये किस परिवार से ताल्लुक रखते हैं, इनकी फैमिली मेंबर्स में कौन कौन है और किस तरह से इन्होंने अपनी फैमिली से निकल कर एक उभरते हुए सितारे के तौर पर अपनी एक खास पहचान बनाई है। वेल, आज की हमारी इस वीडियो में ना हम आपको इन्हीं सारे सवालों के जवाब देने वाले हैं, वो भी कार्तिक आर्यन की फैमिली हिस्ट्री बताकर। तो अगर आप भी इनके परिवार के इतिहास से रूबरू होना चाहते हैं तो बस बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। लेकिन इससे पहले इस जबरदस्त अभिनेता यानी के अपने खुद के कार्तिक आर्यन के लिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अपने छोटे से अभिनय करियर में हर एक फिल्म के लिए दर्शकों से जमकर तारीफें बटोरने वाले अभिनेता कार्तिक आर्यन आज किसी पहचान के मोहताज तो नहीं है, लेकिन वही बात की जाए इनकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में तो इनके परिवार का इतिहास शुरू होता है मध्य प्रदेश की एक ब्राह्मण फैमिली से ताल्लुक रखने वाले इनके पिता मनीष तिवारी के घर से, जो कि प्रोफेशन से एक डॉक्टर हैं। बता दें कि इन्होंने अपने इस प्रोफेशन की शुरुआत मध्य प्रदेश में रहकर ही कर ली थी और प्रोफेशनल लाइफ में सफल होने के बाद ही इन्होंने अपने माता पिता के द्वारा पसंद की गई लड़की माला तिवारी के साथ शादी रचा ली थी, जो कि इन्हीं की तरह एक डॉक्टर के तौर पर जानी जाती हैं। ये अपनी इस शादी से बेटे कार्तिक आर्यन और बेटी कृतिका तिवारी के दंपति बने हैं, जिसके कुछ समय बाद ही ये अपनी पूरी फैमिली के साथ मुंबई शिफ्ट हो गए थे। माता पिता के बाद अब बात की जाए कार्तिक आर्यन की बहन यानी कि कृतिका तिवारी के बारे में, तो कृतिका तिवारी कार्तिक आर्यन की छोटी बहन है और इन्होंने भी अपने माता पिता के प्रोफेशन को गले लगाते हुए डॉक्टर को अपना करियर के तौर पर चुन लिया है, जिस फील्ड में ये आज काफी सक्सेसफुल भी हो चुकी हैं। साथ ही ये अपने भाई यानी कि कार्तिक आर्यन के साथ अक्सर लाइमलाइट का चेहरा भी बनी रहती हैं, जहां ये कई बार अपने भाई के साथ खूब मस्ती मजाक करती हुई भी नजर आई हैं। अब बात करते हैं ब्राह्मण फैमिली से ताल्लुक रखने वाले इस फैमिली के सबसे सफल बेटे यानी कि कार्तिक आर्यन के बारे में। तो कार्तिक आर्यन बचपन से ही एक्टिंग में काफी दिलचस्पी रखा करते थे, जिसकी वजह से इन्होंने मध्य प्रदेश से अपनी शुरुआती पढ़ाई कंप्लीट करने के तुरंत बाद ही मुंबई से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट की और उसी दौरान इन्होंने फिल्मों के लिए ऑडिशन देने भी शुरू कर दिए थे। इसी के चलते 3 सालों तक लगातार ऑडिशंस में असफल होने के बाद इन्हें पहली फिल्म साल 2011 में आई प्यार का पंचनामा मिली, जहां इन्होंने मुख्य अभिनेता के तौर पर रजत का किरदार निभाकर दर्शकों से खूब वाहवाही लूटी थी। साथ ही इस फिल्म में इनके द्वारा बोला गया एक शॉर्ट्स में 4 मिनट का लंबा डायलॉग यानी कि मोनोलॉग भी इनकी एक खास पहचान बनकर उभरा है, जिसका रिकॉर्ड आज तक भी किसी दूसरे बॉलीवुड स्टार ने नहीं तोड़ा है। इसीलिए तो इनकी इसी खासियत की वजह से इन्हें आगे चलकर और भी कई बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करने का सुनहरा मौका मिला, जिनमें प्यार का पंचनामा 2, सोनू के टीटू की स्वीटी, लुका छुपी, पति पत्नी और वो, और साथ ही लव आजकल इनके करियर की ऐसी सफल फिल्में रहीं जिन्हें दर्शक आज भी देखना पसंद करते हैं, जिसके बदौलत आज भी कार्तिक आर्यन के नाम बॉलीवुड के कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें भूल भुलैया पार्ट 2 और दोस्ताना 2 जैसी कई फिल्में शामिल हैं, जिसके साथ ये जल्द ही दर्शकों का दिल जीतने के लिए भी आ रहे हैं। अब बात कर रहे हैं इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, तो कार्तिक आर्यन जब अपने सफल मुकाम पर थे तब इनका नाम इनकी को-स्टार नुसरत भरूचा के साथ जोड़ा गया था, जिनके साथ इन्होंने कई हिंदी फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई है। इसी के चलते दोनों के लिंकअप की खबरें भी खूब सुर्खियों में रही हैं। दोनों ने रियल लाइफ में एक दूसरे को काफी लंबे समय तक डेट भी किया था, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता रहा वैसे वैसे दोनों ही कलाकारों ने अपने प्रोफेशनल लाइफ को इम्पोर्टेंस देते हुए अपने लाइफ में एक दूसरे से दूरियां बनानी शुरू कर दी और आज दोनों ही एक दूसरे से अपनी राहें अलग कर चुके हैं।
लेकिन नुसरत भरूचा के अलावा भी कार्तिक आर्यन का नाम दंगल फेम एक्ट्रेस फातिमा सना शेख और इनकी को स्टार यानी कि सारा अली खान के साथ भी जोड़ा जा चुका है, जिनके बाद लिंकअप की खबरें भी खूब जोरों शोरों से फैली थी। लेकिन इनके साथ कार्तिक आर्यन की रिलेशनशिप की खबरें महज एक अफवाह साबित हुई, जिस पर कार्तिक आर्यन ने दोस्ती की मोहर लगाई है, जिसके बाद से ही कार्तिक आर्यन आज भी सिंगल हैं और अपने प्रोफेशनल लाइफ को और भी ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए जी जान से मेहनत करते नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, आपको अभिनेता कार्तिक आर्यन की फैमिली हिस्ट्री जानकर कैसा लगा और आप इनकी काबिलियत पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ ही बड़े पर्दे से जुड़ी ऐसी ही और दिलचस्प और इंटरेस्टिंग खबरों को जानने और साथ ही उनसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।